अगर आप भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आने वाले के बारे में आपको पता चल जाए। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कंसेप्चुअल वीडियो और कंसेप्चुअल वीडियो के साथ साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर आपको कोर्स के फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं नोट्स, या आप हमारे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है 37 चैप्टर, जो कि बात करते हैं जॉइंट कंट्रोल एंटिटीज के बारे में एंड एसोसिएट्स के बारे में। हमने सब्सिडरी के बारे में पढ़ लिया कि जब भी सब्सिडरी होगी कोई एंटिटी उसको हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे। बट एक सेपरेट चीज होती है जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। एसोसिएट हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी 25% से ज्यादा इंटरेस्ट होगा बट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है तो हमारी क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है, क्योंकि हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है उस कंपनी के ऊपर। एंड जॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि जब आप दो लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ यू हैव व्हाट, इक्वल कंट्रोल इन डिसीजन मेकिंग, तो वो होता है जॉइंट कंट्रोल्ड एंटिटी। तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी वो हमें बताते हैं इंडेस 28 के अंदर, इन्वेस्ट अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर को क्या बोलते हैं, इक्विटी मेथड लगाओ। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू इन प्रीवियस चैप्टर की इक्विटी मेथड क्या होता है कि हमारा जितना शेयर है हम उतना उतना रिकोगनाइज करते हैं, प्रोपोर्शनल शेयर को रिकोगनाइज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी एंटिटीज के ऊपर लगेगा, जिसने भी कोई जॉइंट वेंचर में एंटर किया है या किसी और एंटिटी के ऊपर उसका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मींस आप उस एंटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो बट आप डिसीजन को क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस डेफिनेटली कर सकते हो, तो वहां पे आपका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड कंट्रोलिंग वेंचर का भी क्या होता है कि सिग्निफिकेंट ओनरशिप होती है बट एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता। मीन्स अगर दो लोग मिलकर या तीन लोग मिलकर अगर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो वहां पर ए बी और सी तीनों का क्या है, इक्वल कंट्रोल है। तो ए और बी मिलकर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस डिसीजन ले सकते हैं बट सी का भी क्या होगा, डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा, तो वहां पर भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपका होता है। जैसे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट और एनबीएफसी कोई जॉइंट वेंचर में आते हैं, ठीक है, तो वहां पे उन दोनों क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, चाहे वो जॉइंट कंट्रोल रखे चाहे वो ना रखे, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उन दोनों का होगा। इंडेस क्या बोलता है कि हमने पढ़ा था कंपनीज एक्ट के अंदर की 25% से ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट इंडेस बोलता है कि 20% से ज्यादा अगर आपका वोटिंग पावर आ जाता है तो आपका क्या मान लिया जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर आपका 20% से कम है वोटिंग पावर बट आप किसी और तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, अपना वोटिंग अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वहां पे भी क्या मान लिया जाएगा, दैट यू हैव द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कुछ इलस्ट्रेशन दी हुई है, जैसे एक्स लिमिटेड का क्या है, वाई में 20% वोटिंग पावर है एंड एक और पावर क्या है उसकी कि 5 डायरेक्टर्स में से एक मेंबर को वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। तो 80% वोटिंग पावर दो एंटिटीज ने होल्ड किया हुआ है, जो दोनों क्या कर सकती हैं, दो दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हैं। अभी सिचुएशन क्या है कि एक कोरम ऑफ 4 डायरेक्टर इज नीडेड फॉर डिसीजन एंड द अदर शेयर होल्डर फ्रीक्वेंटली मेक डिसीजन विदाउट एक्स लिमिटेड इनपुट, रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड एजेंडा आइटम्स आर इग्नोर्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 20% से ज्यादा, 20% तक हमारा वोटिंग पावर तो है और हमारा कंट्रोल भी है कि हम डायरेक्टर को क्या कर सके, अपॉइंट कर सके, बट डिसीजन लेने के टाइम पे क्या हो रहा है, डिसीजन लेने के टाइम पर 4 डायरेक्टर मिलकर क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और वो 4 डायरेक्टर कौन से हो सकते हैं, जो 80% वाले हैं उनके 4 डायरेक्टर हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों जने दो दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, एक्स लिमिटेड का 20% तक शेयर तो है, राइट, बट वो कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी तो इतनी भी नहीं सुनी जा रही कि अगर वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि डिस्पाइट हैविंग 20% वोटिंग शेयर, एक्स लिमिटेड कैन नॉट एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर उसका एसोसिएट उसको नहीं माना जाएगा, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को एक्स का एसोसिएट नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ वोटिंग शेयर का क्राइटेरिया नहीं देखते, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। समटाइम्स इवन इफ यू हैव मोर वोटिंग पावर, जैसे कि हमने सब्सिडरी में डिस्कस करा था कि आपका चाहे 0% इंटरेस्ट हो कंपनी में वोटिंग वोटिंग पावर के फॉर्म में,
बट आप उस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप बिजनेसेस को कंबाइन करने वाले हो, तो यू हैव द कंट्रोल इवन विदाउट व्हाट वोटिंग पावर. तो वहां पे जो 100% होल्ड करके बैठे हैं उनके पास चाहे वोटिंग पावर है बट दे आर व्हाट नॉन कंट्रोलिंग बिकॉज दे कैन नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल. तो वोटिंग पावर इज नॉट दी अल्टीमेट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को, सॉरी इम्पैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को ऑन कंपनी. तो सबसे पहले आया था कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या गवर्निंग बॉडी में कितना आपका पार्ट है. जैसे ऊपर देखा कि 5 में से 1 अपॉइंट कर सकते हो बट वो 1 की वैल्यू ही नहीं है क्योंकि उसके बिना भी डिसीजन लिए जा सकते हो, तो उसका कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं है. अभी जैसे यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं के बी में 12% शेयर होल्ड करता है और उसके पास पावर कितनी है, बोर्ड के 8 मेंबर में से 2 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है एंड हर मेंबर की 1 वोट है. ठीक है, तो 8 में से 2 मेंबर को अपॉइंट कर सकता है, मींस इट हैज 25% वोटिंग पावर, है ना. तो चाहे उसका वोटिंग पावर क्या हो गया 12% है बट डायरेक्टर के फॉर्म में उसके पास कितना शेयर आ गया, 25% का आ गया पावर, राइट, क्योंकि 8 में से 2 लोग उसके अपॉइंटेड. तो वहां पे क्या हो गया कि वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसलिए के लिमिटेड उसकी क्या मानी जाएगी, एसोसिएट मानी जाएगी. तो यहाँ पे तो 20% से कम था फिर भी हम क्या कह रहे हैं एसोसिएट है, राइट. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाती है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस डिसीजन अबाउट डिविडेंड एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कि आप उनको अपॉइंट तो कर सकते हो, आप डायरेक्टर अपॉइंट करने की आपके पास चाहे पावर आ गई. अब हम देखेंगे उन डायरेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनके पास कोई पावर है या नहीं, उनका कितना पार्टिसिपेशन होगा जब पॉलिसी बनाई जाएगी. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आई लिमिटेड एस लिमिटेड में 9% इक्विटी रखती है और इसके पास इसके अलावा क्या है, इट हैज अप्रूवल और वीटो राइट ओवर क्रिटिकल डिसीजन ओवर कंपनसेशन हायरिंग टर्मिनेशन एंड अदर ऑपरेटिंग कैपिटल स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ एस लिमिटेड. मींस मेन डिसीजन तो आ गया ना कि कैपिटल स्पेंडिंग करनी है, ऑपरेटिंग डिसीजन मेन, उसके सारे टर्मिनेशन हायरिंग कंपनसेशन. द नॉन कंट्रोलिंग राइट्स आर सो रिस्ट्रिक्टिव दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू इन्फर दैट कंट्रोल रेस्ट विद आई फॉर ऑल द मेजर डिसीजन. तो इस केस में क्या होगा कि आई चाहे 9% ही होल्ड कर रहा है, राइट, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ वोटिंग पावर इट इज नॉट मीटिंग बट कंट्रोल पूरा का पूरा इसका है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एस लिमिटेड. ठीक है, देन थर्ड हमारे पास आया था मटेरियल ट्रांजेक्शन बिटवीन एंटिटी एंड द इन्वेस्टिंग. तो दोनों एंटिटीज में ट्रांजेक्शन ही ऐसी हो रही है कि जो सामने वाली एंटिटी है उसको रॉ मटेरियल जो मेन चाहिए अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और मेरे अलावा मान लो वो रॉ मटेरियल कहीं और से उसको मिल ही नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी उसको ऐसी चाहिए जो मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ. तो वहां पे अगर वोटिंग शेयर नहीं भी होगा तो सामने वाली कंपनी मेरे बिना चल नहीं सकती, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डेफिनेटली मेरा आ गया ना उसके ऊपर. तो ये चीज है, देखो जैसे क्यू लिमिटेड क्या करती है, शूज मैन्युफैक्चर करती है पी के लिए एंड पी लिमिटेड ही बताती है कि शू का डिजाइन क्या होगा एंड बताती है कि हाँ आप प्रोडक्शन कब करोगे, प्रोडक्शन किस क्वांटिटी में करोगे, प्रोडक्शन का टाइमिंग क्या होगा. और क्यू लिमिटेड जितनी प्रोडक्शन करती है उसका 90% किसको जाता है, पी को ही सेल होता है. तो यहाँ पर चाहे वोटिंग सिर्फ 10% है वोटिंग पावर बट क्यू लिमिटेड की मेजरली सेल किसके ऊपर डिपेंड है, पी लिमिटेड के ऊपर. उसके ऑपरेशन किसके हिसाब से चल रहे हैं, पी लिमिटेड के ऊपर चल रहे हैं, प्रोडक्शन तक वो उसके हिसाब से कर रही है. तो डेफिनेटली चाहे उसका 10% शेयर है बट उसका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्यू के ऊपर. तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं क्योंकि प्रोडक्शन में वो पूरी तरह से भी इंक्लूडेड है. देन अगली एग्जाम्पल आ जाती है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, 15% वोटिंग पावर है उसका वाई लिमिटेड में विद रेस्ट वाइडली डिस्पर्स अमंग द पब्लिक. मतलब बाकी पब्लिक में ऐसे है वो किसी एक एंटिटी के पास एज सच नहीं है एंड एक्स लिमिटेड क्या है, जो वाई को रॉ मटेरियल चाहिए वो मेनली सप्लाई कर रही है. तो एक्स लिमिटेड क्या हो गया वाई के ऊपर, सॉरी वाई लिमिटेड क्या हो गया एक्स के ऊपर डिपेंड हो गया अपने प्रोडक्शन के लिए. तो यहाँ पे भी वाई का एक्स का क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वाई के ऊपर. तो ये एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. देन इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे कंपनी के जो मैनेजर है वही सामने वाले कंपनी के मैनेजर हैं, तो कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहे हैं, मेरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना. तो उस केस में भी क्या होगा, अगर वोटिंग पावर कम होगा वहां पे भी क्या है, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो. ठीक है,
सिमिलरली प्रोवाइड प्रोविजन फॉर असेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपके पास खुद की एबिलिटी नहीं है कि आपको वो टेक्नोलॉजी ले आओ। वहां पर भी अगर मेरा शेयर ज्यादा नहीं भी होगा, फिर भी मेरा क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा। देन वी हैव पोटेंशियल वोटिंग राइट्स। तो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं कि अगर कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी शेयर वारंट इशू कर देती है, मींस डॉक्यूमेंट इशू कर सकती है जिसके अगेंस्ट कभी भी आप कोई पर्सन जाके शेयर ला सकता है, या शेयर कॉल ऑप्शन है, ऑप्शन दे देती है शेयर को खरीदने के, डेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऐसे इशू कर दे डेट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इशू करती है जो कि इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। अगर ऐसी चीजें कंपनी कर रही है तो वहां पे क्या हो सकता है कि कल को वोटिंग पावर कम या ज्यादा हो सकता है दूसरी पार्टीज का। तो इसलिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखने के लिए ओनली एग्जिस्टिंग राइट आर कंसिडर, नॉट पोटेंशियल राइट दैट मे अराइज इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है उन लोगों का इन्फ्लुएंस आ जाए, बट वो क्या है, अनसर्टेन है। हम आज देख रहे हैं, हम आज के दिन अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम सिर्फ आज के दिन की ही पोजिशन देखेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कि इसका मतलब होगा कि अगर कल को मेरे पास आज किसी कंपनी के ऑप्शन है कि वो ऑप्शन अगर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो कल को उस कंपनी का 40% वोटिंग पावर मेरे पास आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा उस कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बिकॉज मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है, मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं किया। मैं क्या देखूंगी आज के दिन, क्या मेरे पास कोई हक है उस कंपनी के ऊपर? नहीं, तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है उस कंपनी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विटी मेथड की। तो इक्विटी मेथड में जब आप इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हो, तब तो आप कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे जो इन्वेस्टमेंट की, टू बैंक आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। देन प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे भी क्या होगा कि हमारा जितना भी पार्ट है, राइट, इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। बट डेफिनेटली नहीं हो सकता कि जितना उसको चाहिए उतना डिविडेंड सामने वाली कंपनी इश्यू करने वाली है या नहीं। तो जितना भी उसका शेयर बनता है वो एक्चुअली में वो रिकॉग्नाइज कर लेगी रिगार्डलेस ऑफ डिविडेंड। मतलब डिविडेंड चाहे कंपनी कंपनी को प्रॉफिट 10 रुपए पर शेयर हुआ है, बट कंपनी ने डिविडेंड चाहे 1 रुपए ही इशू किया है, बट हमारे इनकम तो वो 10 रुपए पे है ना, तो 10 रुपए के हिसाब से जितना भी मेरा पार्ट बनेगा वो मैं अपना शेयर में अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगी। फिर अब भी प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ जाएगी, इनकम में रिकॉग्नाइज कर लूंगी। अगर लॉस होगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, लॉस मेरा पीएनएल पे चल जाएगा। ठीक है, एंड अगर कोई कैश डिविडेंड रिसीव होता है उसको मैं बैंक टू क्या कर दूंगी, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दूंगी। इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, इक्विटी मेथड आपको कब अप्लाई करना है, जब आप इनकम कोई अर्न हो रही है इन्वेस्टरी को। ठीक है, तो इन्वेस्टर की बुक्स में क्या होगा, प्रोपोर्शनेट शेयर रिकॉग्नाइज होगा। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उससे इन्वेस्टर की शेयर में वो प्रोपोर्शनेट शेयर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द इक्विटी मेथड इज गोइंग टू वर्क। तो ये हमारा चैप्टर हो गया 37 जॉइंट कंट्रोल एंड इक्विटी मेथड वगैरह के ऊपर। सो आपके आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10 एंड हमारे कोर्स में जल्दी से एनरोल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह की वीडियो से अच्छे से पढ़ सकें एंड अपने एग्जाम्स को पहली बार में ही क्लियर कर लें। और आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है IIBF लर्निंग सेंटर, एंड IOS यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो से आप अपने कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।